क्या शिव और शंकर एक हैं? क्या शिव को ही शंकर कहा जाता है? भगवान शिव को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। उनके महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, गिरीश जैसे कई नाम हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शंकर को भैरव भी कहते हैं। भगवान शंकर को सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता माना गया है। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वो लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं, परंतु तस्वीरों में दोनों की आकृति अलग अलग है। कई जगह तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है, भगवान शंकर के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए हम लोग शिव, शंकर, भोलेनाथ कहकर उन्हें पुकारते हैं। भगवान शंकर को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताया जाता है, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु के स्वरूप है, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। क्या भगवान शिव और शंकर एक हैं? ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों में फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं और अब हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। किसका ध्यान करते हैं भगवान शंकर? कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वह निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंख बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवाधिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं भी लिखे गए हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दो अलग सत्ताएं हैं।